हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थॉरी पार्ट थ्री पार्ट टू तक हम 52 क्वेश्चन कर चुके हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 53 इज मैक्सवेल डाइवर्जेंस इक्वेशन इन केस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दैट स्टेट दैट तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैक्सवेल की डाइवर्जेंस इक्वेशन तो मैक्सवेल की डाइवर्जेंस दो इक्वेशन थी एक तो डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो ये इन टर्म्स ऑफ ई दी है तो डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सल दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन थी डाइवर्जेंस वाली डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो भाई तो यहां पर स्टैटिक फील्ड के केस में बात कर रहा है इन केस ऑफ स्टैटिक फील्ड स्टैटिक फील्ड के केस में रो जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज टाइम इंडिपेंडेंट होती है क्लियर है भाई तो यहां पर तो ये हमारी जो चार्ज डेंसिटी है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही तो डाइवर्जेंस इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्किन डेफ्थ इन ए गुड कंडक्टिंग मीडियम तो स्किन डेफ इन ए गुड कंडक्टिंग मीडियम इज ओमेगा म्यू स्क्वायर सिग्मा वन ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन अगर हम गुड कंडक्टर की बात करें तो डेल्टा इक्वल टू होता है रूट टू अपॉन म्यू सिगमा ओमेगा क्लियर है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेब इंपीडेंस इन ऑफ फ्री स्पेस इज अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो इंपीडेंस जो है ईटा इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड फॉर्म ठीक है और इसकी वैल्यू आती है रूट म्यूनोट अपॉन एफ सल नोट इन फ्री स्पेस अगर म्यूनोट और एफ्स एल नोट की वैल्यू पुट कर दें हम रूट फोर पाई इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन अपॉन एट पॉइंट एट फाइव इंटू माइनस ट्वेल्व तो हमें कितना मिल जाता है सॉल्व करने के बाद ये मिलता है थ्री सेवनटी सिक्स पॉइंट सिक्स ओम ठीक है भाई या फिर हम कह देते हैं इक्वल टू थ्री सेवनटी सेवन ओम लेकिन यहां क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है वन ये भी नहीं होगा 377.7 ये भी नहीं होगा ट्वेंटी पाई ओम भी नहीं होगा लेकिन अगर हम 120 पाई को देखें तो ट्वेंटी इंटू तो ये कितना आ जाता है कैलकुलेट करने के बाद 376 376.8 जो कि लगभग किसके बराबर है 377 ठीक है भाई तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन इधर गलत आ गया बाय द रिलेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो रिलेशन क्या होती है इनमें ई इक्वल टू बी सी तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैराफिन हैज रिलेटिव परमेबिलिटी 1.2, पॉइंट टू स्पीड ऑफ वेव इन पैराफिन इज तो क्वेश्चन में एप्सैलम आर इक्वल टू

तो इसे सॉल्व करके मिलेगा हमें टू पॉइंट जीरो सेवन इंटू टेन टू द पावर सिक्स मीटर पर ठीक है भाई तो टूट सॉरी टू पॉइंट जीरो सेवन पावर तो चेक नहीं की पावर आएगी हमारी टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड पावर तो इतनी ही रहेगी तो राइट ऑप्शन इज इस, ये इसमें जो है पावर हमारी टेन टू दावर एट ऑप्शन आएगा ठीक है भाई ये सिक्स की जगह क्या होगा टू पॉइंट जीरो सेवन इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है क्लियर है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी ओनली एनर्जी ओनली मोमेंटम बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम नन ऑफ दीज तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है फोटोन फोटोन की एनर्जी एच न्यू मोमेंटम ई बाई सी या एच न्यू बाई सी ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द फॉलोइंग विच वन इज द कंसिक्वेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन ठीक है भाई बी इक्वल टू म्यू एच डी इक्वल टू एफ साल नोट ई प्लस पी डी इक्वल टू एफ साल नोट ई सी इक्वल टू वन अपॉन रूट म्यू नोट एफ साल नोट तो मैक्सवेल इक्वेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है मैक्सवेल इक्वेशन से सी स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस जो होती है सी उसकी वैल्यू कितनी आती है रूट वन अपॉन जब मैक्सवेल इक्वेशन मैक्सवेल वेव इक्वेशन देखते हैं तो मैक्सवेल वेव इक्वेशन आती है हमारी डेल स्क्स म्यूनोट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल्टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो जब जनरल वेव इक्वेशन से इसकी कंपेयर करते हैं तो बी की वैल्यू आती है वन अपॉन रूट जब इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है सी ठीक है भाई ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट कैन बी रिप्रेजेंट एज तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट को हम डिनोटेड करते हैं आईडी से और इसकी वैल्यू क्या कहती है चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आईडी इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी एपसाल नॉट डेल डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है भाई क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो ही डिस्प्लेसमेंट करंट होती है तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन क्लियर है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी तो एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होती है हमारी एंपियर पर मीटर स्क्वायर तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसिलेटेड चार्ज अमिट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट अमिट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ए ग्रेविटेशनल फील्ड नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एसिलेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती है तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन एसिलेटेड चार्ज हमारा कौन सी क्या डेवलप्ड प्रोड्यूस करता है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक है भाई तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिपोगेशन यानी कि ट्रांसवर्स नेचर को फॉलो करते हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड वो कहता है कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करने लगे तो कौन सी इक्वेशन को हमें मॉडिफाइड करना पड़ेगा हमें पता है कि मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन कहती है डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो किसी मैग्नेट के मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप एक मैग्नेट लिए आपने मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं इस मैग्नेट को दो सेपरेट पार्ट में तोड़ दिया तो फिर से क्या बन जाती है फिर से सेपरेट मैग्नेट बन जाती है फिर से दोनों के दोनों पार्ट में क्या बन डेवलप्ट हो जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो जाते हैं यानी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करने लगेंगे तो हमारी कौन सी इक्वेशन में मॉडिफिकेशन होगा मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन में डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय हमें पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी कितनी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और अगर मैग्नेटोस्टेटिक्स एनर्जी की बात करें तो हाफ बी स्क्वायर अपॉन नॉट तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल अलोंग जेड एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेस एंड टाइम फील्ड वुड जनरेट सच ए वेब तो हमें पता है कि हमारी वेब जेड डायरेक्शन में चल रही है यानी कि जो वेलोसिटी है वो जेड डायरेक्शन में हो गई अब हमें क्या करना है अब हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है ये ए डाल दो और ये बी डाल दो ये जेड कौन सी डायरेक्शन है वेलोसिटी की जेड डायरेक्शन हमें पता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रपोगेशन है वो कौन कौन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट देता है तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने ए से डिनोट कर दिया डायरेक्शन को और मैग्नेटिक फील्ड को हमने बी से डिनोट कर दिया और आना क्या चाहिए हमारा जेड आना चाहिए हम लास्ट ऑप्शन को देखते हैं उल्टा चलते हैं वाई और जेड तो वाई क्रॉस जेड इक्वल टू जेड वाई क्रॉस जेड वाई क्रॉस जेड क्या होता है आपका एक्स तो ये डायरेक्शन एक्स बता रहा है और जबकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोकेशन वेलोसिटी के जेड तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है दूसरा ले लो दूसरा है जेड और एक्स तो हमने दूसरा वैल्यू पुट करी जेड इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया क्रॉस एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए जेड तो जेड जब इसमें आ रहा है तो ये तो ऑप्शन होने के नहीं है डायरेक्ट खत्म कर दो इन्हें तो करने की करके देखने की जरूरत ही नहीं है जब आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जेड में बता दिया इसने और जबकि डायरेक्शन ऑफ जेड में है तो ये तो हो नहीं सकता ऐसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में बता दिया और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी जेड में है तो ये पॉसिबल भी नहीं है अब इसमें, आ इसमें देखते हैं इसमें कहता है वाई क्रॉस एक्स इक्वल टू जेड और y क्रॉस x क्या होता है आपका माइनस जेड इक्वल टू जेड तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया लेकिन पहले वाले ऑप्शन से देखो x दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिया है y इक्वल टू जेड और x क्रॉस y क्या होता है आपका जेड इक्वल टू जेड यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड आपका y डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी प्रोपोगेशन आपका जेड डायरेक्शन में होगा क्लियर है भाई कहां से पता चलेगा वो ई क्रॉस एच ई क्रॉस एच ही देंगे हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ए वेव ठीक है भाई तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ Electromagnetic wave वेव इज by बाई अभी हमने डिस्कस कर ही रहे थे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कौन देता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है भाई तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच हैज द डायमेंशन ऑफ हमें पता है कि ई e और एच का रेशियो क्या होता है आपका करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस और इसकी वैल्यू कितनी आती है 376.6 ओम यानी कि किसकी डायमेंशन होती है रेजिस्टेंस की तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वेव इंपिडेंस ऑफ फ्री स्पेस ईटा इक्वल टू ई अपॉन एच इक्वल टू रूट म्यू अपॉन नॉट अपॉन एपस नॉट इक्वल टू थ्री सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स ओम तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन में कई बार हमने डिस्कस कर लिया करेक्टिस्टिक इंपीडेंस क्वेश्चन कह रहा है a wave, इसे पहले थोड़ा सा ही कर दू वे इज प्रोपेटिंग इन ए मीडियम ऑफ डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट टू एंड रिलेटिव मैग्नेटिक प्र फिफ्टी ठीक है भाई द वेव इंपीडेंस ऑफ सच ए मीडियम इज तो वेब का इंपिडेंस पूछा है ठीक है भाई अगर हम इंपिडेंस की बात करें तो इंपिडेंस हमारा क्या होता है किसी मीडियम के लिए इंपिडेंस की वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट म्यू अपॉन एपसेलन क्वेश्चन में क्या गिन है क्वेश्चन में डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट गिबिन है यानी कि एप्सैलन आर इक्वल टू टू एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी कि म्यू आर इक्वल टू फिफ्टी हमें ईटा कैलकुलेट करना है तो ईटा इक्वल टू है रूट म्यू अपॉन एफ हमें पता है कि म्यू इक्वल टू कितना होता है आपका म्यू नॉट म्यू आर और एफ इक्वल टू कितना होता है एफ नॉट एफ आर ठीक है भाई तो वैल्यू को पुट कर देंगे तो ईटा इक्वल टू रूट म्यू नोट म्यू आर अपॉन एपसालन नोट एफ सालन आर इक्वल टू रूट म्यू नोट अपॉन एपसालन नोट इन म्यू आर की वैल्यू कितनी की बिन है म्यू आर की वैल्यू की बिन है फिफ्टी और एफसेल आर की वैल्यू की बिन है 2 टू 25 फाइव का स्क्वायर रूट आ गया 5 रूट में बचा आपका एफसल नोट और म्यूनोट और एफ नोट म्यूनोट अपॉन एफ नोट इज द फॉर फ्री स्पेस और करेक्टर फ्री स्पेस के लिए वैल्यू कितनी होती है हमारी 376.6 ठीक है जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा कितना मिलेगा भाई हमें मल्टीप्लाई करने के बाद वन 8, 83 थ्री ओम तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए रेडियो वेव हैज ए मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल इंटेंसिटी टेन टू दी पावर माइनस फोर बोल्ट पर मीटर ऑन अराइवल एट ए रिसीविंग एंटीना द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ सच ए वेव इज इस वेव की हमें क्या बतानी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बतानी है ठीक है भाई तो क्वेश्चन में क्या गिविन है क्वेश्चन में गिविन है इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी ईक्वल टू टेन टू दावर माइनस फोर वोल्ट मीटर कैलकुलेट क्या करना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी हमें पता है ई e और बी में रिलेशन क्या होती है इक्वल टू बी सी तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ई अपॉन सी इक्वल टू टेन टू दावर माइनस फोर अपॉन थ्री इन टू टेन टू दावर एट जब डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा थ्री से जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेल्व ठीक है भाई तो इसमें ऑप्शन डी आ रहा है अगर इसको हम लिख दें ऐसे थ्री पॉइंट थ्री इंटू पावर दावर माइनस कितना हो जाएगा थर्टीन हो जाएगा अगर हम एक पॉइंट इधर बढ़ा दें तो टेस्ला तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। फ्लो व्हेन चार्ज इज डिक्रीजिंग ऑन द फ्लो इन द प्लेट फ्लो व्हेन द चार्ज इज इनक्रीजिंग ऑन द प्लेट फ्लो व्हेन चार्ज रिमेंस कांस्टेंट ऑन द फ्लो प्लेट फ्लोज व्हेन देयर इज नो चेंज हमें पता है कि जब ये पैलर प्लेट कैपिस्टर की बात करते हैं और पैलल प्लेट कैपिस्टर पर यह पोटेंशियल डेवलप्ड हो जाता है ठीक है भाई जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होती है चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तभी यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज करे या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करे दोनों ही केस में आपकी क्या डेवलप होगी डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगी तो ऑप्शन ए फ्लो वैन चार्ज इज डिक्रीजिंग ऑन द प्लेट राइट फ्लो वैन चार्ज इज इनक्रीजिंग ऑन द प्लेट ऑप्शन बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट जब कॉन्स्टेंट रहेगा कोई चेंज नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन स्टेटमेंट ए एंड बी वन एंड सेकेंड आर करेक्ट ठीक है भाई तो ये था क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम लैंप इज रेडिएटिंग पावर ऑफ फिफ्टी वाट। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस ऑफ थ्री मीटर फ्रॉम द लैम्प इज तो इसमें पावर दिए पावर इक्वल टू फिफ्टी बाट और डिस्टेंस यानी कि आर इक्वल टू थ्री मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मान लो एक बल्ब है ये और इससे रेडिएट यूनिफॉर्मली पावर रेडिएट हो रही है पचास बाट की तो इससे आपको थ्री मीटर की डिस्टेंस पर भाई एक बनाए के 3, है पे पावर कितनी रेडिएट होती फिफ्टी वाट की थ्री मीटर की डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हम अगर बात करें थोड़ा सा मैं बता दूं कि पॉइंटिंग वेक्टर एस इक्वल टू होता है ई क्रॉस एच क्रॉस e एक्स को क्या लिख सकते हैं हम इ एच साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर पेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के बीच में थीटा हो जाता है 90 तो पॉइंटिंग वेक्टर आ जाता है आपका ई e एच और पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है कि पॉइंटिंग वेक्टर इज द एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम या पावर अपॉन एरिया या पावर अपॉन एरिया कितना हो जाता है आपका स्पेयर का फोर पाई आर स्क्वायर तो ये भी आपका पॉइंटिंग वेक्टर होता है ई e एच और ये भी आपका पॉइंटिंग वेक्टर होता है तो दोनों को हम हमेशा एक साथ ही इक्वल रख के अपनी कैलकुलेशन को पूरा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से ई एच इक्वल टू पावर अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर पावर कितनी की बिन फिफ्टी फोर पाई आर कितना के बीन है थ्री का स्क्वायर तो कितना हो गया आपका फिफ्टी अपॉन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स पाई क्लियर है भाई हमें कैलकुलेट क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है ई e. तो हम एच को ई e की टर्म में लिख देंगे अगर हम एच को ई e की टर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे हम देखो भाई थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं हमें पता है ई e और एच एच इक्वल टू कितना होता है आपका इक्वल e टू होता है बी सी ठीक है इक्वल e टू होता है आपका बी सी या फिर डायरेक्ट हम क्या करें उस वाली रिलेशन को यूज कर ले भाई ई अपॉन एच इक्वल टू थ्री सेवनटी सेवन या थ्री सेवनटी सिक्स पॉइंट सिक्स हमें पता है तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से एच इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन थ्री सेवनटी सिक्स पॉइंट सिक्स इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ई इंटू अपन सेवनटी सिक्स पॉइंट सिक्स इक्वल टू फिफ्टी अपॉन थर्टी सिक्स पाई तो ई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका फिफ्टी इंटू थ्री सेवनटी सिक्स पॉइंट सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स पाई ठीक है भाई थ्री सेवनटी सिक्स पॉइंट सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं वन ट्वेंटी पाई भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन इजी करनी हो तो तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी इंटू थ्री सेवनटी सिक्स पॉइंट सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स इंटू थ्री, थ्री पॉइंट वन फोर क्लियर है भाई जब इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा ट्वेल्व पॉइंट नाइन वोल्ट पर मीटर तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है हमारा हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स अपॉन अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी आती है वन अपॉन रूट मीनोट अपॉन एफ साल नोट इक्वल टू सी तो वैक्यूम में जो वेलोसिटी की बात करते हैं हम वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी पर भी डिपेंड नहीं करती वेवलेंथ पर भी डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड नहीं, नहीं कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रही तो नन ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द लॉ which state that the law which state that the variation of electric field causes magnetic field is the faraday law yosef law Lange law and modified Ampere law तो वो कौन सी लॉ है जो ये बताती है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है भाई तो ऑप्शन डी एम मॉडिफाइड एम्पियर लॉ मॉडिफाइड एम्पियर लॉ क्या आती है हमारी कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल्टी तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज किसका रीजन बनना है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है भाई तो ये ऑल अबाउट थे 75 क्वेश्चन वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी बन गई है तो नेक्स्ट पार्ट में इसके हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे थैंक यू